राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसानों से कहा है कि रासायनिक खेती ने जमीन को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, समय आ गया कि हमें अब गौ आधारित कृषि, जैविक कृषि और साथ में बागवानी की तरफ रुख करना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के छठे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने इस दौरान खासकर इस बात को लेकर खुशी का इजहार किया कि आज यहाँ पर जो भी उपाधियाँ और गोल्ड मेडल बांटे जा रहे हैं उनमें लड़कों से आज ज्यादा तादाद लड़कियों की है। उन्होंने कहा कि यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इसीलिए जहाँ भी नारी का सम्मान होता है वह वातावरण अपने आप ही सकारात्मक हो जाता है। समारोह के दौरान 527 उपाधियों के साथ ही 23 गोल्ड मेडल्स का भी वितरण किया गया। इससे पहले मेजबान कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास ने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन रखा। समारोह के दीक्षांत अतिथि ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर SL मेहता रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि राज्यपाल ने अपना दीक्षांत भाषण कोटा में हुए विकास कार्यों की खुले दिल से तारीफ करने के साथ किया। उन्होंने जिक्र किया कि बीते दिनों मैंने विदेश मंत्री शांति धारीवाल के साथ कोटा का विजिट किया था और दिलचस्प बात यह है कि कोटा में विकास के जो भी काम हो रहे हैं वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ हो रहे हैं। उन्होंने कोटा के बड़े विकास कार्यों, ऑक्सीजन और रिवर फ्रंट का जिक्र किया और कहा कि मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि कोटा जल्द ही विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर आएगा। कोटा प्रवास के दौरान राज्यपाल बाद में खड़े गणेश जी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणपति को ढोक लगाई। राज्यपाल कल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह में शरीक होंगे। बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश पासवान के निर्देश पर नया शहर थाना इलाके में कैसीनो पर बड़ी कार्रवाई। दरअसल IG ओम प्रकाश पासवान को मिला था इनपुट, जिस पर IG ऑफिस की टीम ने मारा छापा। एडिशनल SP दीपक शर्मा की अगुवाई में कार्रवाई हुई। 11 कैसीनो मशीनें मिली हैं तो कुछ लोगों को राउंडअप भी किया गया है। IG ओम प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए बीट कांस्टेबल को निलंबित किया है। IG ओम प्रकाश ने कहा कि किसी भी कीमत पर युवा सट्टा इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ थाना पुलिस को भी लताड़ लगाई। कांस्टेबल बद्री मीणा को सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर रेंज IG कार्यालय पर जिस तरह से इनपुट मिलता है, IG अपने स्तर पर टीम बनवाकर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कई मामलों में देखने में आया है। इस कार्रवाई के बाद नया शहर थाना इलाके में भी एक तरह से अलर्ट मोड है। दरअसल उस इलाके में लगातार ये खबरें मिल रही थी कि जुए और सट्टे ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आज IG ओम प्रकाश की इस कार्रवाई के बाद इस बात को और बल मिला है। न केवल नया शहर बल्कि कुछ और इलाकों में भी इसी तरह का इनपुट है। भरतपुर के डीग में जीजा साली का प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। दोनों ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। जानकारी के अनुसार बरी गांव के रहने वाले मुकेश को अपनी ही साली से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत करने लगे। आज सुबह रेलवे ट्रैक के सारे दोनों का सब पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस सबों को कब्जे में लेकर अस्पताल लाई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक युवती शेरगढ़ थाना इलाके की रहने वाली थी। रिश्ते में वह मृतक युवक मुकेश की साली थी। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश में नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियां लगातार कार्यवाही कर रही है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 40 कार्टून नशीली दवाइयों के बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि बाड़मेर शहर के बलदेव नगर में पिछले लंबे समय से नशीली दवाइयों का व्यापार चल रहा है और यहां के कई युवाओं को इस प्रकार की नशीली दवाइयां बेची जा रही है, जिस पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्यवाही करते हुए बाड़मेर शहर के बलदेव नगर से दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग बाड़मेर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से विभिन्न प्रकार की नशीली दवाइयों की जो टैबलेट्स होती हैं उनकी सप्लाई कर रहे थे, जिस पर नारकोटिक्स की टीम ने उनको धर दबोचा और उनके कब्जे से चार अलग अलग प्रकार की करीब 40 कार्टून जो टैबलेट्स थी उनको बरामद किया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर नारकोटिक्स की टीम जांच पड़ताल कर रही है कि ये जो माल आता है ये इनके पास कहां से आता है और इस पूरे खेल में और कितने लोग इनके साथ सम्मिलित हैं। नारकोटिक्स टीम ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू करने से पहले विभिन्न अलग अलग जगहों पर भी दबिशें दी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जालौर जिले के साचौर में भी इन्हीं की टीम ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि नारकोटिक्स की टीम अभी अलग अलग जगहों पर और दबिशें देकर इस प्रकार की नशीले दवाइयों का व्यापार करने वाले